बजरंगबली। हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब? तो भाई आज का व्लॉग हो रहा है बजरंगबली जी के साथ शुरू। मैं बहुत खुश नसीब हूँ भाई कि कोर्ट जाते हैं, देखो कोर्ट की ये एंट्री है और यहाँ पे पीछे अपना मंदिर है बिल्कुल एंट्री पे। तो भाई रोज भगवान जी के दर्शन हो जाते हैं। तो कैसे हैं भाई आप सब? आशा करता हूँ भाई आप सब अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो करते हैं भाई आज का व्लॉग शुरू। कोर्ट पहुंच गए हैं, कोर्ट की कार्रवाई के बाद मेरे को जाना है आज ग्रोसरी शॉपिंग करने और थोड़ा फ्रूट्स वगैरह की भी शॉपिंग करूँगा, क्योंकि भाई रोज है ना दिन में फिर ये हो जाता है क्या खाऊं क्या खाऊं क्या खाऊं, तो वो चीज़ कम हो जाएगी। अब अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आएंगे, बढ़िया बढ़िया हेल्दी हेल्दी। तो ठीक है दोस्तों, करते हैं आज का व्लॉग शुरू, बने रहिए व्लॉग में। 5 hours later। सो भाई मैं आ गया हूँ रिलायंस मार्ट में। आज भाई ग्रोसरी वगैरह के आइटम लेने हैं कई सारे, तो ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है कि एक ही जगह से ले लेंगे सारे। तो अब चलते हैं भाई अंदर। तो भाई ले लेते हैं अपनी ट्रॉली और ये आई गेस ठीक है। सो गाइस ये आज की मेरी कुछ शॉपिंग है और अब ये शॉपिंग करके मैं निकल रहा हूँ घर। तो शॉपिंग तो हो गई है भाई, अब बस गेट पे दिखाना है और फिर एग्जिट कर लेंगे। भाई आइटम इतने सारे हैं आज, देखो जो बिल देखो। तो भाई रिलायंस से शॉपिंग करने के कुछ फ़ायदे ये हैं कि आप, मैंने जितने आइटम्स लिए ना उसमें से मोस्टली बाय वन गेट वन फ्री है। उसमें आप जूसेस कह सकते हैं, पोहा, केचप वगैरह सारी चीज़ों पे भाई इतने अच्छे अच्छे ऑफर थे। और मैंने मोस्टली स्मार्ट शॉपिंग ही की है, जिन पे ऑफर था मैंने वही चीज़ें ली हैं और जो मेरे काम की थी ऑफकोर्स। तो भाई ये कुछ आइटम्स और ये है भाई इतनी लंबी हमारे बिल की लिस्ट। भाई सबसे ज़्यादा जो परेशान आज हुआ है वो हमारे गार्ड भाई साहब हुए हैं, जो चेक करते हैं ना बिल, तो वो देख के मेरे को पता था वो थोड़े से परेशान होंगे, क्योंकि आइटम्स बहुत सारे और उनको पर आइटम के हिसाब से गिनना होता है। तो अब भाई अपनी आज की डाइट बाहर से रहेगी, लंच की मैंने रेडी करवा ली ऑलरेडी मुकेश भाई को बोल के। तो चलते हैं भाई आज की डाइट वाइट लेने अपनी, क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया, डाइट वाइट तो लेनी पड़ेगी। भाई घर तो पहुंच गए, अब भाई सामान भी इतना ज्यादा है तो मैं जो फ्रिज में रखने वाला सामान है अभी वो लेके जा रहा हूँ, बाकी सामान बाद में उतारूंगा, बैग वैग लेके आऊंगा। अब जाता हूँ, पहले खाऊंगा अपनी डाइट वाइट, और डाइट मैंने यहीं कैरी कर लिया भाई अपनी, घर पे आके आराम से अब खाऊंगा। और भाई जब मैं घर पे आ गया हूँ, अंदर जाऊँगा तो अब स्टीव को भी भाई अंदर एसी में बिठा लेंगे, मेरा वेट कर रहा होगा, देखो वेट ही कर रहा होता है ये, इसको बताया अंदर जाएगा। 2 hours later। सो भाई अभी आ गए हैं जिम से घर, एग रहे तेरे भाई वो भी ले आया हूँ, बाकी सामान भी। लो भाई मेरी माँ ने खोल लिया दुकान, इतना सामान के करने ले आए मम्मी? यो तो आज मैं कुछ सामान, ये तो अभी टास्क में काम आएगा ये लेस, तो देख तू इतना लंबा सिस्टम है बड़ा सिस्टम, तो चश्मे ला गया बिल पटड़ा कर रही है अभी। या एक चूज करो मम्मी, इनमें से एक चूज करो, रेड या ब्लू है? ठीक है, तो भाई अभी है ना रेड वाले लेस से एक रेसिपी ट्राई करके दिखाऊंगा आपको, मैंने देखी थी वो ट्राई करेंगे आज। सो गाइस जो लेस आया था, अब मैं लेस के साथ ना एक मस्त सी रेसिपी ट्राई करने वाला हूँ भाई। पहले ही बता देता हूँ ये है एग की रेसिपी, तो अगर किसी को भाई एग पसंद नहीं है या वो वेजिटेरियन है, अगर एग से उनको अच्छा फील नहीं होता है देखना या मतलब बात करना भी, तो भाई आप स्किप कर सकते हो, ठीक है? पहले ही बता देता हूँ क्योंकि कई लोगों को नहीं पसंद होती,
तो हम बनाएंगे भैया ब्लेस के साथ एक एग रेसिपी ट्राई करेंगे। चलो चलते हैं अब किचन में, तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस ये है लेस। सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट है हमारे, इसको हम ऊपर से खोल लेंगे ऐसे, ठीक है। ये रहे लेस। फिर हम लेंगे भाई 3 egg, 1, 2, 3 टमाटर और प्याज। तो कॉन्सेप्ट ये है भाई, ये है लेस। मसाला हम कुछ नहीं डालेंगे, हम बनाएंगे ऑमलेट। हम इसमें डालेंगे अब प्याज। ये भाई मैंने एक पूरा प्याज लिया है। तो ये हमने डाल दिया भाई इसके अंदर प्याज चॉप किए हुए। अब भाई प्याज के बाद नंबर है टमाटर का, उसको इसमें डाल लेंगे और फिर चॉप कर देंगे। वेरी इजी प्रो, ठीक है। और दोबारा बता रहा हूं भाई, जो वेजिटेरियन है जिनको एग पसंद नहीं है आप अभी भी स्किप कर सकते हो, जरूरी नहीं है। देखो और फिर बात, कई लोग ऐसे करते हैं अरे अरे यार, तो उससे बचना तो आप वीडियो को यहाँ पे स्किप कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लाइक जरूर कर देना पर समझ रहे हो ना। अब इसको भी भाई कचर कचर कर लेते हैं। ठीक है भाई, टमाटर भी हमारे हो गए रेडी ऐसे पैकेट में। अब टमाटर भी डाल देंगे। अब नंबर है भाई इसमें एग डालने का। एक एग मैंने छोड़ रखा था भाई। अब है भाई इसमें एग डालने का नंबर। बाकी सामान में साइड में कर देता हूँ। तो भाई इस तरीके से दिखेगा अभी हमारा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, चकनाचूर कर देंगे, निस्तो नाबूद कर देंगे। भाई मिर्च वगैरह हम खाते नहीं है तो मैं तो नहीं डाल रहा हूँ इसमें मिर्च। आप लोग अगर खाते हो तो आप डाल सकते हो, ऑप्शनल है बेसिकली वो ना। अच्छा अब ये बनेगा कैसे इसके अंदर, इसके लिए भाई हम ले रहे हैं पानी और एक कंटेनर। दूसरा इसमें हम एक हैक जो करेंगे वो करेंगे ये, इसको ऐसे कर लेंगे और जुगाड़ कर देंगे रबड़ बैंड के साथ। ताकि ये एयर टाइट हो जाएगा। एक कोने पे ये सिमिलरली, दूसरे कोने पे भी रबड़। तो भैया कुछ इस तरीके से हमारा बन जाएगा और इसको हम इसमें डाल के छोड़ देंगे। कम से कम 15 मिनट भैया हमें इसे छोड़ना है। 9:18 हो गए हैं, 15 मिनट बाद इसको देखते हैं भाई कैसा बनता है। तो मिलते हैं 15 मिनट के बाद। A few moments later. तो भाई समय हमारा लगभग लगभग हो गया है, पूरा टाइमर भरा था मैंने 15 मिनट्स का।
और अभी मैंने गैस कर दिया बंद, अब इसको थोड़ा सा सेटल होने देंगे, गर्म होगा अभी, फिर इसको निकालते हैं और आपको दिखाता हूँ कि कैसा बना है, क्या बना है। वंशु को भी ट्राई कराएंगे, मैं भी ट्राई करूंगा। सो भाई फाइनली अब हम इसको निकालेंगे। इसको काट लेंगे। आर यू गाइस एक्साइटेड टू सी? एक्साइटेड हो या नहीं हो? एक बार देखियो क्या मस्त बन के तैयार हो गया यार। ओहो हो, मजा ही आ जाएगा खा के। सिंपल फंडा है भाई, अब वन शुगर में खाएंगे इसको। सो भाई अभी वन शू ट्राई करके बताएगा भाई कैसा लगा। जेन्युइन रिव्यू दियो अंशु, पक रहा है? कैसा टेस्ट आया सही बता। चीज का भी, अरे जो ऑमलेट मार वो भी अच्छा रहा भाई, देखो बहुत बढ़िया भाई। वंशु का बेरा नहीं के ओपिनियन दिए है इसने, मैं खा के बताता हूँ भाई। थोड़े है ना टमाटर ज्यादा कर दिए हमने, दो टमाटर डाल दिए बाकी, क्योंकि है ना टमाटर इसमें ऑलरेडी टमाटर फ्लेवर था। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और बाकी बना बहुत बढ़िया भाई, आज भी बनाओ और खाओ। लेस मसाले हमने डाले नहीं क्योंकि लेस का मसाला था, बस थोड़े टमाटर हमने ज्यादा डाल दिए, आप कम डालना। बाकी भाई बहुत बढ़िया रेसिपी है, मैंने भी इंटरनेट पे देखी थी, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो जो एग खाते हैं। सो गाइस अब आ गया है समय ब्लॉग को एंड करने का और अब करेंगे हम एडिटिंग। हाँ भाई ये मेरे आईपैड का नया कवर है भाई, रेसिपी ज़रूर ट्राई करना ठीक है। और आज का ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, कोई सजेशन हो वो भी बता देना। और कल फिर मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।